लेंस में, लेंस में देखना और फिर करना, ये रहा लेंस, यहाँ देख, ठीक है। हाँ एक बार करके देखो कैसे घूमोगे फटाफट। हाँ सामने की तरफ, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कल आप थोड़ा सा कंफर्टेबल वाला पहन के आराम से आप घूम जाओगे कर। चलो वापस जाओ, जिसका नाम लूंगा वो घूमेगा और हंसेगा, लाफ्टर चाहिए एक्सट्रीम। पंकज वन बोला मैंने, अरे टू थ्री फोर फाइव, फटाफट करना ही। परमिता वन टू थ्री फोर फाइव फाइव। पंकज वन टू थ्री फोर फाइव। विजय वन टू थ्री फोर फाइव। पंकज परविदा पंकज विजय पंकज विजय पंकज परविदा विजय पंकज विजय पंकज विजय पंकज परमिता तुम्हारे ना परमिता पंकज विजय पंकज विजय पंकज विजय चलो ओके रिलैक्स, सामने आ जाओ, एक दूसरे के नजदीक आ जाओ और आ जाओ, नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाओ। अब सामने की तरफ घूम जाओ, इधर कैमरे की तरफ। ये एक्सरसाइज क्या थी? ये एक्सरसाइज थी वेरिएशंस की, मतलब एक एक्सप्रेशन और एक मूड से दूसरे मूड में जाना और वो भी इंस्टेंटली जाना और एक्टिवली सुनना भी। एक तो होता है कि हम सिर्फ मूड से मूड जा रहे हैं और हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है, वो भी नहीं। लिसनिंग यानी मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन रहे हो, है ना? मैंने जो बोला उसको आप ध्यान से सुन भी रहे हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है और साथ साथ आप अपना काम भी कर रहे हो। आप अपने मूड में जाके लाफ्टर कर रहे हो और साथ साथ मेरी आवाज को भी सुन रहे हो। ऐसा ही होता है जब आप सेट पे जाते हो, काम करते हो, आप अपने मूड में हो, कैरेक्टर में हो, आप लाइन परफॉर्म कर रहे हो और पीछे से डायरेक्टर कुछ बोल रहा है तो हमें उसकी आवाज को भी सुनना होता है। ये नहीं कि आदमी लाइन बोले जा रहा है हंस रहा है, हंस जा रहा है, उसको मतलब ही नहीं क्या सुन रहा है। नहीं, एक्टर, एक अच्छा एक्टर वही होता है जो अवेयर रहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, और हमें अपने आप को थर्ड आई से देखना होता है। इसको कहते हैं हम थर्ड आई। थर्ड आई यानी तीसरी आंख। तीसरी आंख किसकी? हमारी खुद की। जैसे मैं यहां पर बैठा हूं लेकिन मैं अपने आप को वहां से देख रहा हूं कि अगर मैं यहां पर बैठा हूं तो मैं कैसा लग रहा हूं, मैं अगर तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरे एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं। हम अपने आप को बाहर से देखते हैं, अपनी आवाज को सुनते हैं, अपनी बॉडी की प्रेजेंस को महसूस करते हैं। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसके अलावा कौन सा इंसान कहां पर है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है। जैसे ये फ्रेम है, अभी पंकज के थोड़ा सा इस साइड कौन बैठा है और वो क्या कर रहा है वो फ्रेम में नहीं दिख रहा है। हो सकता है वहां कोई लाइटमैन बैठा हुआ है रिफ्लेक्टर लेकर के, कोई लाइट लगी हुई है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे कोई आदमी जा रहा है, स्पॉट बॉय आके किसको चाय दे रहा है, डायरेक्टर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये सब कुछ यहाँ फ्रेम में कुछ नहीं दिख रहा है। फ्रेम में सिर्फ तुम तीनों दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुमको पता है कि कहां पर क्या हो रहा है।
तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उससे। तुम अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हो, आसपास वालों को देख रहे हो, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो थर्ड आई से परफॉर्म करते समय हमेशा अपने आप को देखना है, खुद को ऑब्जर्व करना है, अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो उसको ठीक करो, और कोई आदमी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए हमारा। तो इस तरह के एक्सरसाइज में हम बेसिकली आज यही कर रहे थे कि आप आवाज भी सुन रहे हो, परफॉर्म भी कर रहे हो, और कॉन्शियसली देख भी रहे तुम क्या कर रहे हो। इसमें कई बार गलतियां हो जाती, तुमसे गलती हुई है ना, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंट रहना है उस सिचुएशन में, फोकसली अपना काम करना है, और फोकसली आवाज भी सुननी है, ऑब्जर्व भी करना है क्या चल रहा है। अभी तो हमने सिर्फ आवाज और एक्शन का खेल खेला है, अभी और भी कई सारी चीजें इसमें हम करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि और कितनी सारी चीजों को ध्यान में रख के हम एक्टिंग करते हैं। ठीक है।